यू आज एक कार्ड के बारे में बात करते हैं ये क्यू कार्ड है वैसे पुरानी लिस्ट में से बट स्टूडेंट से पूछा गया है so सो मेरे को लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए सो द क्यू कार्ड नेम इज एन एरिया ऑफ साइंस दैट इंटरेस्ट टू यू वट इट इज़ वट यू लर्न फ्राम इट वेन यू स्टार्ट इट बिकम इंटरेस्टेड इन हाउ दिस एरिया ऑफ साइंस हेल्प यू ठीक है अब आपने कोई भी एरिया ऑफ़ साइंस के बारे में बताना है ठीक है जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा ठीक है या अब भी लग रहा है ठीक है ऐसा कुछ बताना है सो so, बहुत सोचा कि क्या लिख सकते हैं तो मैंने एक ऐसे ही लिया है कि आप सब बोल सको ये चीज़ के बारे में तो क्योंकि या देखो यहाँ पे आपकी नॉलेज नहीं चेक हो रही ठीक है जहाँ पे आपकी जीके नहीं एक्चुअली नॉलेज मीन्स लाइक जीके नहीं चेक हो रही यहाँ पे आपको कंटेंट बोलना है टू मिनट्स के लिए तो वो चीज़ बोलो जिसमें आप कुछ स्टोरी बना सको जिसमें आपके पास एक प्रॉपर कंटेंट हो तभी आप टू मिनट्स कर सकते हो ठीक है हाँ यार मैंने एक कॉल चीज़ सुनी थी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि लाइक एक मिनट ही बोलना पड़ता है यार ये सारे ह्यूमर है ठीक है सो टू मिनट्स आपको बोलना ही पड़ेगा वन मिनट फॉर प्रेपरेशन एंड टू मिनट्स फॉर स्पीकिंग ठीक है जी सो so, ऐसे र्यूमर्स पे मत विश्वास करो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे ही अपने लाइक शेयर्स वगैरह व्यूज़ लेने के लिए कर रहे हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को मत फॉलो करो अपना प्रॉपर प्रैक्टिस उस अकॉर्डिंग ही रखो वन मिनट फॉर प्रेपरेशन टू मिनट्स फॉर स्पीकिंग सो ये चीज़ को छोड़ते हैं अब मैं आपको बताती हूँ आइडिया क्या लिख सकते हो ठीक है अब मैंने आइडिया क्या लिखा है कि साइंस तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है रोल प्ले करिए हमारी लाइफ में ठीक है और क्या होता है कि हम फिफ्थ तक फिफ्थ स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड तक क्या करते हैं साइंस एक नॉर्मल प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं बट बाद में क्या होता है उसके ब्रांचेस डिवाइड हो जाते हैं जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सो so मैंने यही चीज़ लिखी है कि सिक्स स्टैंडर्ड में हमारे जो साइंस के वो ब्रांचेज मतलब आ गए थे जिसमें हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े और जो है मेरा एक इंटरेस्ट जो है डिवोट किधर हो गया कि लाइक like मेरे को बहुत इंटरेस्ट हो गया कि बायोलॉजी के ऊपर अब इसके रीजन थे इसके पीछे क्या रीज़न थे पहला तो रीज़न ये था कि हमारी जो साइंस टीचर थी जो बायोलॉजी की टीचर थी वो उसके पास नॉलेज ही बहुत थी शी वॉज एन एक्सेप्शनली नॉलेजेबल पर्सन सो उन्होंने क्या किया कि ये सब्जेक्ट को इतना ईजी और फन लर्निंग बना दिया अपनी टीचिंग स्किल्स के साथ तो इससे क्या हुआ कि लाइक मेरा इंटरेस्ट जो है बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया दूसरा चीज़ था कि ये सब्जेक्ट खुद ही बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें स्टडी है लाइफ की लिविंग ऑर्गेनिज्म की जैसे कि फिज़िकल स्ट्रक्चर्स हो गई डेवलपमेंट होगी और इवन एवोल्यूशन ऑन द अर्थ भी हो गया तो ये चीज़ें बहुत मेरे को इंटरेस्टिंग लगी और इवन जो मेरी बायोलॉजी बुक थी वो बहुत ज़्यादा एक कैप्टिवेटिंग थी क्यों क्योंकि उसमें पिक्चर्स थे एनिमल्स की प्लांट्स की जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी और मैं बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ती होती थी बायोलॉजी और मेरे को अभी तक याद है और इवन हमारी साइंस लैब भी थी जिसमें हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए कैरिड आउट किए तो उससे जो है मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी हुई ठीक है और ऑन टॉप ऑफ दिस जो बायोलॉजी है वो क्या एक है एक स्टडी ऑफ लाइफ है ठीक है सो थ्रू बायोलॉजी मेरे को बहुत सारे फैक्ट्स पता चले अबाउट लाइफ और इवन मैंने बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स सीखी अबाउट द ह्यूमन बॉडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है और इनक्रेडिबल फैक्ट्स जो पता चले ठीक है लाइक ह्यूमन बॉडी के और इवन मेरे को ये भी पता चला कि जो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है एज़ कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर्स ऑन द अर्थ ठीक है और इवन डिफरेंट सिस्टम्स जो है बॉडी उनको कैसे उसकी फंक्शनिंग होती ये चीज़ें सारी उसमें मैंने पढ़ी ठीक है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थी तो दैट्स वाई बायोलॉजी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है interesting subject और इवन मैंने आगे जो है लाइक मेडिकल स्ट्रीम में लाइक like, एडमिशन लिया है ठीक है सो ये चीज़ें आप बोल सकते हो सो आई होप क्लियर दिस वन रीजंस भी बता दिए कैसे ये हेल्प कर रहा है ठीक है सब कुछ इसमें जो क्यूज़ थे वो सारे कवर किए जब ऐसे क्यूज़ कवर करोगे खुद ब खुद आपके बैंड्स बहुत अच्छे वाले आने वाले हैं ठीक है सो लेट्स स्टार्ट हाउ यू कैन स्पीक इट फॉर टू मिनट्स well science has become an integral part of our life because we can learn many things from science like nature the human body technology and many more it primarily has three branches physics chemistry and biology here i would like to talk about that area of science in which i have keen interest that is biology i vividly remember when i was in 6th standard then science was divided into three branches and biology was my favorite subject there are some reasons why I like this branch of science. First and foremost, our science teacher was an exceptionally knowledgeable person, and he made this subject easy and fun learning with his teaching skills. Secondly, it's a very interesting subject as it involves the study of life and living organisms, including their physical structure, development, and evolution on the earth. My biology book was so captivating as they were full of pictures of animals and plants. I still remember there was a science lab in my school where we used to go every Wednesday to carry out experiments, and the activity I enjoyed doing in the lab was to observe microorganisms with the microscope on top of this biology is basically a study of life through biology i came to know some astonishing facts about life i learned some interesting things about the human body plants and animals i came to know that human body is one of the most beautiful yet complicated structures on the earth What's more, I got to know about the functions of different systems in the body like the respiratory system, digestive system, circulatory system, nervous system, etc. All in all, studying biology was always a fascinating experience it was highly knowledgeable and i really enjoyed it i still remember all these topics because biology is my favorite subject lastly i would say the importance of biology cannot be ignored and i will love to explore more information about it so biology is the area of science which has grabbed my interest since my childhood so आई होप आइडिया क्लियर हो बहुत सिंपल सा आइडिया रखा है सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन टू गेट मोर अपडेट्स ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड थैंक यू